जम्मू कश्मीर में सेना के जिस ट्रक पर आतंकी हमला किया गया था, उस ट्रक में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान ईद का सामान लेकर आ रहे थे। सेना का ये ट्रक जम्मू कश्मीर के संगियोते गांव जा रहा था। इस ट्रक में 20 अप्रैल की शाम इफ्तार दावत के लिए फल और दूसरा सामान लाया जा रहा था, लेकिन सेना का ये ट्रक संगियोते गांव ईद का सामान लेकर पहुंचता उससे पहले ही आतंकवादियों ने इस पर हमला कर दिया। जिस वक्त सेना के ट्रक पर हमला हुआ, उस वक्त गांव वालों को कुछ भी नहीं पता था। वो तो इस ट्रक के इंतजार में बैठे थे, क्योंकि उसी दिन शाम 7 बजे पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था। गांव में इफ्तार दावत की तैयारियां चल रही थी, लेकिन गांव वालों की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। सेना का ट्रक तो गांव नहीं पहुंच पाया, लेकिन 5 जवानों की वीर गति की खबर जरूर पहुंच गई। हमले के बाद सेना की ट्रक की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें पीछे जले हुए तरबूज, पपीते, सेब आदि फल दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि जिस वक्त देश ईद का त्योहार मना रहा है, ठीक उसी वक्त इस गांव के लोगों ने इस साल ईद ना मनाने का फैसला किया है। गांव के सरपंच मुख्तियाज खान ने बताया है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जैसे ही हमें सोशल मीडिया से आतंकी हमले के बारे में सूचना मिली, पूरे गांव में मातम छा गया। मुख्तियाज खान ने बताया कि हम केवल नमाज पढ़ेंगे, गांव ने ईद ना मनाने का फैसला किया है। पूरा गांव 5 जवानों की शहादत पर रो रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि हमले में वीर गति को प्राप्त हुए 5 जवानों में से 4 पंजाब के रहने वाले थे, वहीं एक जवान ओडिशा के देवाशीष बिस्वाल थे। देवाशीष बिस्वाल की शादी 2021 में अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी, और इसी दिन उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच रहा है। देवाशीष की एक छोटी सी बच्ची भी है। इस हमले में पंजाब के मोगा में रहने वाले कुलवंत सिंह भी शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि कुलवंत के पिता भी कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। जिस उम्र में कुलवंत के पिता शहीद हुए थे, लगभग उसी उम्र में कुलवंत भी शहीद हो गए।